सुनील लहरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और भगवान राम लला का हम देख रहे हैं इस वक्त सूर्य तिलक और उनके साथ परछाई की भांति चलने वाले लक्ष्मण इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं जी। तो लक्ष्मण जी को प्रणाम। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत आपका जी न्यूज पर। और ये दृश्य जब आप देख रहे हैं, वैसे तो हम देखते रहे सीरियल में धारावाहिक में कि माथे पर जो सूर्यवंशी हैं वो सूर्य का चिन्ह लगाते थे, जो चंद्रवंशी हैं वो चंद्र का चिन्ह लगाते थे, वो टीका होता था, लेकिन जब आप साक्षात भगवान सूर्य को रामलला के माथे पर देख रहे हैं तो कैसी अनुभूति हो रही है? ये अद्भुत है। ये मैं बता रहा हूँ कि इसका वर्णन में शब्दों में नहीं कर सकता, पर मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छी जिस ढंग से ये सूर्य तिलक लगाया जा रहा है। और इसके लिए मैं जिसने भी ये सोचा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि ये सूर्यवंशी कहलाते थे, तो सूर्य तिलक से अगर उनको आशीर्वाद है आज जन्मोत्सव पे, इससे बड़ी बात कुछ और हो नहीं सकती। सुनील जी, इसके पहले जब रामनवमी पर राम भक्त जाया करते थे अयोध्या, तो हर किसी के मुंह से मैंने सुना कि उन्हें कष्ट होता था रामनवमी पर रामलला को टेंट के अंदर देखकर, लेकिन सारे कष्ट दूर हो गए 22 जनवरी के बाद और आज तो उत्साह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे आप सुनील जी? मैंने भी वो कष्ट भुगता है और वो दुख मैंने भी देखा है। मेरी भी आंखें नम हो गई थी जब मैं लास्ट टाइम, मतलब कि हो गए मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए इस बात को, ज़्यादा ही हो गए होंगे, जब मैंने उनको टेंट में देखा था। मुझे बहुत दुख होता था कि भारत देश जो हमारा अपना देश है, हमारी अपनी संस्कृति है, यहीं पे हमारे भगवान को, हमारे जो आदरणीय हैं उनको इस तरह से रहना पड़ रहा है। और जो करंट सरकार है मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इतना भव्य मंदिर बनाया और मैं प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा भी था, तो मेरे बहुत अच्छा लगा और एक बहुत बड़ा उत्सव की फीलिंग आई थी, एक बहुत अच्छा विश्वास जागा है देशवासियों में। और मैं उसके लिए इस सरकार को, जो मोदी जी की सरकार है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सुनील जी, और थोड़ी याददाश्त का भी, क्योंकि आप जब परशुराम जी से संवाद कर रहे थे तो उस वक्त भी आपने बड़ी चेतना और ऊर्जा के साथ उनसे कहा था कि हम सूर्य वंश के लोग हैं और ऐसे ऐसे छोटे धनुषों को तोड़ने में घबराते नहीं हैं। तो सूर्य वंश से जो श्री रामचंद्र जी का कनेक्शन था, अगर उसके बारे में आप बता सकें। देखिए, सूर्य वंश का जो कनेक्शन बहुत पुराना है, कई मेरे ख्याल से कुछ राम जी के या जब मतलब दिखाया है उससे मेरे ख्याल से 15-20-25-30 पीढ़ियों से उनका कनेक्शन चला आ रहा है। और सूर्य जो है वैसे भी काफ़ी महत्व रखता है, प्योरिटी का सिंबल है, और जहाँ पे कहा जाता है कि जिसमें सब बुराइयों का दहन हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा सूर्यवंशी होने का क्या हो सकता है कि राम जी का जो चरित्र रहा है उनमें कोई भी किसी भी तरह की त्रुटि नहीं रही है, कमी नहीं रही है, और वो हमारे एक आदर्श हैं। और मेरे ख्याल से हर भारतीय के लिए, भारतीय क्या, मैं तो समझता हूँ कि पूरी दुनिया, पूरा जो इंसानी समाज है उसके लिए वो आदर्श होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि राम जैसा पुत्र हो, राम जैसा पति हो, राम जैसा भाई हो, राम जैसा साथी हो। तो सूर्यवंशियों का मेरे ख्याल से इससे बड़ी इम्पोर्टेंस, इससे बड़ी महत्व कोई और हो नहीं सकती है। सुनील जी, मेरा ये आखिरी सवाल होगा, क्योंकि आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, मंदिर आपने करीब से देखा और बड़ी पीढ़ियों के, कई पीढ़ियों के इंतजार के बाद इस मंदिर को हम देख रहे हैं। अगर इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो ये बहुत ज्यादा है। आज सूर्य तिलक उसी के बलबूते हो पाया है, और ऐसे में इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मंदिर के निर्माण को लेकर अभी कुछ ही टाइम बाद पूरा भी हो जाएगा, ऐसे में मंदिर को आपने बहुत करीब से देखा है, तो मंदिर को लेकर कुछ शब्द अगर आप कहना चाहें। मैं कहूंगा कि इतना अच्छा, इतना अद्भुत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो आज के समय में तो डेफिनेटली बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, पर ये कहा जाता है कि 1000 साल तक बड़े से बड़े, मतलब ये भूकंप आएंगे, आंधी आएगी या तूफान आएंगे तो भी इस मंदिर को हिला नहीं पाएंगे। और सुना है कि इसमें कोई सीमेंट का, कोई लोहे का, मतलब कि जरा सा भी यूज नहीं हुआ होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ सृजन पाल जी भी इस वक्त हैं, और सृजन जी जब आप देख रहे हैं, हमने ऐसा सोचा था लेकिन इतना बढ़िया एग्जीक्यूशन होगा, इसके पीछे की साइंस क्या है? ये
जो आज हमने देखा ये भारत की संस्कृति, इतिहास, आस्था, अध्यात्म और विज्ञान एक साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं, इसका एक और नमूना था। ये जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये एक आसान काम नहीं था, और इसके कुछ कारण है। इसको समझने से पहले हमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में दो चीज़ें समझनी आवश्यक है, फिर आप सब समझ जाएंगे। पहला तो ये कि धरती जो है सूरज को सीधा फेस नहीं करती, वो अपनी धुरी पे 23.5 डिग्री झुकी होती है, और इसकी वजह से आकाश में जो सूर्य होता है वो नॉर्थ साउथ मूव करता है साल के 365 दिन को अगर हम आकलन करें तो। दूसरा ये कि धरती जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता, वो डिस्टेंस में लगभग 50 लाख किलोमीटर का अंतर आता है हाईएस्ट पॉइंट यानी फार्देस्ट पॉइंट और जो सबसे नज़दीक पॉइंट है उसके बीच में। इसका मतलब सूर्य आकाश में ईस्ट वेस्ट भी मूव करता है साल के अगर 365 दिन देखें तो। अगर हम साल में एक कैमरा लगा दें और सूर्य की पोजीशन ट्रैक करें हर रोज एक ही समय पर तो सूर्य 8 का आकार बनाता है, 8 का आकार, 8 नंबर जो अंग्रेजी में होता है उसका आकार बनाता है। इस फिनोमेना को हम एनालेमा बोलते हैं। ये जो एनालेमा का फिनोमेना है इसकी वजह से सूर्य आकाश में 8 का आकार बनाता है। अब ये सोचिए कि जो हमारी रामनवमी आती है वो चंद्रमा के कैलेंडर पे बेस्ड है, हिंदू कैलेंडर पे बेस्ड है, और सूर्य चलता है अपने कैलेंडर से, सोलर कैलेंडर से। इसका मतलब कि रामनवमी जो इस साल आज पड़ रही है, सृजन पाजी अपना माइक एक बार आप ठीक कर लीजिएगा और अपनी बात पूरी करें आप। जी, सूर्य जो है इस साल जो रामनवमी आज पड़ रही है पिछले साल 30 मार्च को पड़ी थी। इसका मतलब जो सूर्य का पोजीशन है वो हर रामनवमी में बदलता रहेगा, और इसलिए ये जो उपकरण है इसकी जो चुनौती है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि एक चंद्रमा पे आधारित इवेंट रामनवमी को हमें सूर्य को ट्रैक करके बनाना है तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो पहली कठिनाई हमारे लिए चुनौती ये है, ऑफकोर्स हमने इसको आज देखा और हर साल हमें इसको हर साल अलग अलग समय पर, इसीलिए हम बात कर रहे थे कि जो मस्तक पे तिलक लगेगा वो अलग अलग समय पर लगेगा। दूसरी समस्या ये है और चुनौती ये है कि सूर्य अब ये बाल रूप के राम, श्री राम की मूर्ति है और बहुत हमारे लिए प्रतिष्ठा की मूर्ति है, आस्था की मूर्ति है। आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं।